प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष में चल रहे सेवा समर्पण अभियान कार्यक्रम के तहत आज इंद्री में बीडीपीओ कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने रक्तदान किया। इस शिविर में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं रक्तदान शिविर कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक तुषार डांडा विशेष तौर पर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बैच लगाकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर बोलते हुए प्रदेश संयोजक तुषार डांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू किए गए कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन इंद्री में किया गया। इस श्रृंखला में रक्तदान शिविर के अलावा दूसरे कार्य भी किए जा रहे हैं। कल 17 तारीख को दुनिया के सबसे बड़े नेता, लोकप्रिय नेता, हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत और भारत माता के सच्चे लाल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन पूरे देश और पूरे विश्व ने मनाया। और युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर रक्तदान शिविर के माध्यम से सेवा ही संकल्प, सेवा और समर्पण के भाव से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। ये पूरे हरियाणा के अंदर 17, 18, 19 तारीख को किया जाएगा। आज इसी उपलक्ष्य में इंद्री के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ललित कुमार ने कहा कि करनाल जिले में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें भाजपा युवा मोर्चा बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी कर रहा है। रक्तदान से दूसरों को जीवन बचाया जा सकता है, इसलिए सभी को रक्तदान में हिस्सेदारी करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जिले में कितने कार्यक्रम, सेवा संकल्प पत्र के तहत ये पूरे प्रदेश में 71 स्थानों पर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। जिले में अभी आ रहा हूँ, ब्लड डोनेशन का कैंपों का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में हमने जिले में 5 स्थानों पर कल, जैसे कि हमने असंध में और करनाल में हमने 2 ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। आज हमारा तिलावड़ी में चल रहा है, एक यहाँ पर इंद्री में चल रहा है। कल हमारा संडे वाले दिन हमारा गोरंडा में होगा, तो इसलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया है।